हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे पीरियोडिक हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया। ओके, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, पहला है रॉबर्ट ब्रूसी फुट, देन सर विलियम जॉन्स, देन ई जे एच मैकफी, देन सर जॉन मार्शल। फ्रेंड्स, इसमें से अपने को राइट ऑप्शन चूज करना है। फाइनल में अपने को आंसर मिलेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ओके, तो हमें पता है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, दैट इज रॉबर्ट ब्रूस फुट। ओके, आप चाहे आप कमेंट में भी बता सकते हैं कौन सा राइट आंसर है। ओके, अभी आप कमेंट कर दीजिए वीडियो स्टॉप करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पैल्स ऑथिक ओल्ड स्टोन पीपल, दैट इज एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें आंसर कौन सा राइट है। एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता, फार्मिंग भी हो नहीं सकता, फिशिंग भी हो नहीं सकता, हंटिंग इज द राइट आंसर। फ्रेंड, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे ओल्ड स्टोन कर आ गया है, तो आपको डायरेक्टली आंसर पे आना चाहिए, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए। ओके, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल साइट्स ऑल द प्रियोलिस्टिक, मेथोलिस्टिक एंड नियोलिस्टिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस दिए हैं, सहसरा नारजराज, देन कॉर्नुल वैली, देन बिलन वैली, देन अहेर। फ्रेंड, यहाँ पे तो लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसके लिए आपको नॉलेज ही होनी जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरा ख्याल से। ओके, हम लास्ट में देखेंगे कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ओके, अभी के लिए तो फिलहाल राइट यही है। आपके मन में कौन सा आंसर है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये आपको राइट होगा तो ओके या लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। ओके, देन वी सी द नेक्स्ट, दैट इज द गल्फ केयर प्री हिस्टोरिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। वी हैव द ऑप्शन, दैट इज राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, देन उत्तराखंड। आपको जहाँ पे जो बताया लोकेटेड विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, तो आपको ये ऑप्शन में तो समझना चाहिए फ्रेंड्स, ये स्टेट्स आ जाएंगे, ये भी स्टेट है लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज की आपकी लोकेशन में आता है। फ्रेंड्स, तो ये आंसर राइट है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, हो सके तो आप इसकी डिटेल निकाल सकते हो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। द ओल्डेस्ट एविडेंस इन ह्यूमन हिस्टोरिक फॉर द ड्रिलिंग ऑफ टीथ इन अ लाइव लिविंग पर्सन वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर। देखो फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है, अदरबेंस, देन महंग्रा, देन सोन वैली, देन महावे। तो राइट आंसर है अपना महंग्रा। फ्रेंड, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये हिस्ट्री फ्रेंड्स। ओके, आपको पहले ही बताया मैंने, ये प्री हिस्टोरी इंडिया में देख रहे हैं, आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम इसे सबमिट कर देते हैं। देखिए गाइस, हमने सबमिट कर दिया है। यहाँ पे देखिए, 1 मार्क बता रहा है, हमारा ये जो फर्स्ट आंसर था वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमने सही दिया था, किया मैंने बताया था हंटिंग, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है आपको। ओके, लेट सी द नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉजिक का कुछ काम नहीं है, यानी आपको तो हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। ओके, इसके लिए देन मैंने आपको बताया था यूनियन टेरिटरीज, आप सर्च करोगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा। आप सर्च करो यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया,
करके ओके आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा राइट आंसर है, ये नाम ही आएगा और भी लिस्टेड में ये नाम दिखाई देगा आपको ओके। देन वी सी द लास्ट बस प्लीज ओके, ये आंसर भी मैंने आपको कहा था, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ने के अलावा कुछ हो नहीं सकता ओके। वी विल सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू।